सीहोर में कल एक महिला की मौत हो गई, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा प्रवचन देते रहे। उन्होंने कहा कि मौत आनी होगी तो आएगी ही। देखिए कुछ क्या कुछ कहा है था उन्होंने। मालूम होगा काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किसने पढ़ा जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहाँ पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहाँ रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो, 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया, ये अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सीहोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी, चाहे कितने भी VIP बन जाओ, चाहे कितने भी VVIP बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी, चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे